जोहार दोस्तों, तो आप सभी को मेरे एक नए वीडियो में स्वागत है। तो आज का वीडियो देख सकते हैं, ऑफिस समय ख़त्म हो चुका है, तो सोचे आज का प्लान कि कुछ किया जाए, यानी कि छोटा मोटा पिकनिक। तो पिकनिक में देख सकते हैं यहाँ पे बाहर में चूल्हा बनाया गया है ईटा की सहायता से, और फिर लोहा चढ़ाया गया है। तो इसे पता चल रहा है कि हम लोग कुछ बड़ा ही कारनामा करने वाले हैं। तो आज है देसी मुर्गा और उसका बनेगा तरकारी। तो ये रहा हम लोग का चूल्हा और ये रहा जलावन जुगाड़, देसी जलावन देसी जुगाड़। और देख सकते हैं एकदम पलटा, उठो छोटा है, उठो छोटा है। और यहाँ पे हम लोग बिछा चुके हैं और देख सकते हैं प्याज है, मसाला भी बन चुका है, और इसमें चिकन है, चिकन इस हाँ चिकन है देसी वाला। और फिर अभी इसमें हम लोग बनाएंगे, गैस से इसीलिए नहीं बना रहे क्योंकि देसी चिकन है तो खाने में थोड़ा स्वादिष्ट लगे। प्याज हाँ प्याज कटेगा, काट लेंगे तुरंत। तो अच्छा दोस्तों, अभी हमको प्याज भी काटना होगा। तो देख तो सकते हैं कि प्याज भी निकल चुका है, और ये रहा चाकू। इससे सिर्फ जब चिकन मटन कुछ बनता है तो ही इस चाकू का उपयोग किया जाता है, और ये चाकू बाहर में ही रहता है। देख सकते हैं ये हुआ बाहर, इस चाकू का काम यही सब। तो देख सकते हैं अभी तेल ले जा रहे हैं, सरसों तेल, और डालेंगे इसमें कढ़ाई में। कढ़ाई गर्म हो चुका है, इसमें डालिएगा अभी। तो देख सकते हैं छोलनी भी गर्म हो गया, हम भी बोलेंगे ठीक। और देख सकते हैं तेल डाला गया है, कितना निर्मल, इतना बस बस। इसको बाद में ले जाएंगे क्या। तो तेल गरम हो रहा है, निर्मल यहाँ क्या कर रहा है, प्याज काट रहा है, प्याज काट रहे हैं यहाँ पर हम। बोल दो संथाली में तो कैसे बोलेगा। हेलो दोस्तों, आप एक रुपये नियन डाले नीचे तो करीब करीब ऑफिस समय तो हाँ चबा करना, और नीतो दो अंते 5 बजा लगे अब छुट्टी आले हाँ, अब उना ये तो नीतो दो पार्टी चला कर ताले आले इन हुई ना, और साथे राधे भैया है नया, और साथे है नया सुनील बीएपी, अब पे और गे हिना लिया पार्टी तो हाँ, अब मिटे हिना तरह गया सर हिना गया दिनेश सर, अब उनी तो नल में उनी तो सत्संगी होड़ करना है, उनाई ते नौ पार्टी तो शामिल दवाई ताए ना, तो उन्हें तो आलम तो ये ना लिया आलम तो इले पार्टी का, और वीडियो रे और लास्ट बोले नियर लगी इंतजार रे तहन पे, और अले ले बिना कंप्लीटा और ले नियर चुपिया और चीज लगा ले जमा उन्हें हले नियर चुपिया पे। तो निर्मल से सुन लिए, और फिर देख सकते हैं अब हम मेरा काम पड़ गया है यहाँ आँच लगाने वाला, तो हम आँच लगाएंगे और इसको गर्म करेंगे। तो इसी प्रकार बने रहिएगा। हाँ तो अब प्याज डाला जा रहा है, ढाल दो, ढाल दो एकदम सब एक ही बार में, राइट उठने लगा। गजब गजब नियल दड़े पे नितो प्याज ही भराव गदा, और सुनील भैया इधर दंपा करना हां साथ साथ से सेंगल को इंजन स्टार्ट करना ले। तो देख सकते हैं चिकन निकल चुका है नहाने के लिए, और अभी चिकन को नहलाया जाएगा सुनील भैया के हाथों से। अभी आप लोग देखिएगा नहलाते हुए चिकन को कैसे नहलाया जाता है। निर्मल अपना काम में लगा हुआ है, और हमको तो पूरा फेमस कर देगा। देखिए चिकन को कैसे नहलाया जाता है, आप लोग सीखिए, इनसे सीखिए। ये बिना साबुन शैम्पू का चिकन को नहला देते हैं। वाह वाह वाह,
हाँ दोस्तों, देसी चिकन बने और एवरेस्ट का मसाला ना हो तो मज़ा ही नहीं आएगा। तो देख सकते हैं ये मसाला है जो कि अभी चिकन में देना होगा ताकि दमदार चिकन बने। तो देख सकते हैं यहाँ पे बन रहा है चिकन। चिकन नहला चुका है और फिर चिकन को अब आग सेकने के लिए दिया जा रहा है ताकि वो पके। तेल लगाया जा रहा है, वो भी गरम तेल, ताकि उसका जो ई होता है पैर मजबूत हो, धड़ मजबूत हो। और देख सकते हैं, और निर्मल उसको रगड़ रगड़ के दे रहा है पूरा एकदम छोलने से। तो देख सकते हैं फाइनली हम लोग का चिकन बन के रेडी हो चुका है और निर्मल उतार भी दिया। और फिर थोड़ा देर में चिकन बंटवारा होगा। देखना निर्मल आ जाएगा वो सब उधर से और खा जाएगा। आएगा ना, काट लेंगे और सब खा लेंगे। तो बन गया है चिकन, देख सकते हैं एकदम जबरदस्त बना है और स्वाद भी काफी तगड़ा है। देखिए झोर झोर भी पीने में अच्छा लग रहा था। फिलहाल देख सकते हैं बहुत शाम हो चुका है, इसीलिए हम लोग मूढ़ी के साथ अभी खा रहे हैं और फिर बाद में खाएंगे चावल के साथ, भात के साथ।